सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ WWE अनडिफीटेड। तो हम आज रैंक पुश करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ, और आज 5000 प्लस करेंगे, और मतलब 5000 टूर्नामेंट के लिए करेंगे, ना कि लीग पॉइंट तो मेरे 68 के आसपास है, तो 68 नहीं। तो इसका एक मूव है डीप थ्रो, दूसरा है रिवर्स चॉक स्लैम। तो बिना किसी देरी के गेम को कर लेते हैं स्टार्ट, और देखते हैं पहला अपॉइंट मिलता है हमको कौन। तो पहले अपॉइंट आ गए हैं ट्रिपल थ्रेट चैंप कोफी किंगस्टन, जो बहुत तोड़ने वाले हैं। तो अभी देखना, मैच स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चलता है। ब्रॉन है भाई, गुस्से में हमेशा रहता है, आप जानते ही हो ब्रॉन को, जिसने भी देखा है ब्रॉन को। तो भाई 3 से 4 कॉम्बो भी लग चुका है, और छोटे छोटे कॉम्बो लगे हैं, क्योंकि बड़े कॉम्बो भी लगे नहीं हैं, क्योंकि ब्रॉन के पास वैसे भी बहुत सारे बड़े मूव हैं, इसलिए इसके लिए छोटे मूव ही लेने पड़ते हैं। और भाई धोखे से मार गया भाई, भाई इसका यही तो है भाई, आगे पीछे बहुत करता है ये। और भाई इसका कॉम्बो बहुत ज़्यादा है कोफी से, हमने गलत पंगा ले लिया भाई, माफ़ कर दे भाई, माफ़ कर दे। और इतना जल्दी जल्दी ये स्मूथ चल रहा है ना यार, मेरे को लग ही नहीं रहा मैच कैसे निकलेगा यार। ओ भाई चलो, जब कोई एडवांटेज देना दोनों हाथ से, मतलब उसको कबूल करना चाहिए एडवांटेज को। ठीक है भाई आ जाओ, एक बार और आ जाओ, फिनिशर भी लगा लें हम एक बार, बस ये अगर गलती से आ गया ना हमारे हाथ, तो मेरा ग्राउंड स्मैश तैयार है भाई। ये हाथ आने ही वाला नहीं है भाई, फिर से मार गया और फिनिशर भी लगा दिया। और ये फिनिशर कॉम्बो के साथ बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, वैसे कम देगा लेकिन कॉम्बो के साथ बहुत डैमेज देता है। और भाई लो स्टॉर्म भी लगा दिया, और ये लो। तो अभी तो फिनिशर लगाएंगे, अगर इसके पास स्प्रिंग बोर्ड रहना नहीं हुआ तब। चलो, अरे पकड़ लिया भाई, मुझे लगा कहीं दूर ना चला जाए, और ग्राउंड स्मैश लगा के ख़त्म करेंगे मैच को। और गर्ल्ड किक पंच, भाई जीतने वाले हैं नहीं, हमको नहीं लग रहा कि हम जीतेंगे यार, क्या करें भाई। ये मतलब बंदा बहुत ज़्यादा तेज़ खेल रहा है भाई, मेरे से बहुत तेज़ खेल रहा है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ खेल रहा है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा यार, ऐसे जीतेंगे नहीं इससे हम। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई आप प्रो हो, थोड़ा बहुत नूबी सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रो हम भी हैं, हमारी भी थोड़ा बहुत चलती है प्रो। कैप्टन कबीर ओपी बोलते, अभी भैया हमको तुमने दे दिया है चांस, अब हम तुमको चांस दें ये तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। और हम भैया चांस मिलते ही चौके पर नहीं छक्के से सीधे लगाए हैं, और ख़त्म किया मैच को सीधे रनिंग पावर स्लैम से। तो एक लाइक तो बनता है फॉर द कोफी किंगस्टन को बीट किया है ब्रॉन स्ट्रोमैन, तो एक लाइक कर दो यार। और सामने आ गए हैं बिग डॉग रोमन रेंज, क्या जीत पाएंगे, या तो हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे या तो इसके पॉइंट्स घटेंगे, मतलब दोनों कंडीशन में घटेंगे इसके ही। ये मत सोचना मैं हार जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं मैच नहीं हारने वाला, ये सोच लेना आप। चलो भाई आओ 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 बउआ आओ आओ ना, चलो ग्राउंड स्मैश, और प्लीज़ नहीं, ओ टैप करना चाहिए था यार, लेट किया, मेरी माई गलती भैया। और भैया ये ग्राउंड स्मैश बहुत धोखेबाज है, कभी कभी इस पर काउंटर लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता, ये बहुत धोखेबाजी है। अभी लगाएंगे ग्रैपल, और भाई हम जीतेंगे ग्रैपल, लिख के ले लो भाई, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन भैया ग्रैपल हार जाए ऐसा हो सकता है, ब्रॉन स्ट्रोमैन को ग्रैपल हटाओ हराओगे भाई। ये सुपरमैन पंच भाई, इसका डैमेज बहुत है, ड्रॉप ना लगा दे बस। और आई हेट द ड्रॉप मूव, रोमन रेंज का ड्रॉप मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। और हम लगाएंगे पावर स्लैम, रनिंग पावर स्लैम, क्योंकि भैया हमारे पास मूव बचे नहीं थे, अब हमारे जीते हमसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं,
और इसने लगा दिया है भाई स्पेयर, और चलो ड्रॉप के लिए बचा ही नहीं है, तो वो ड्रॉप भी लगाता, उसका ड्रॉप तैयार है मेरे को मालूम है, पर कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलो रिवर्स शॉक स्लैम और हम भी ख़त्म करेंगे मैच को, मतलब पहला पिन हम भी करेंगे भाई, तुम ही तुम नहीं करोगे, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चलो भाई हमको भी मौका दो। ओ भाई इतना मौका नहीं देना भाई, इतना नहीं देना भाई। ड्रॉप लग गया भाई। आई हेट दिस मूव यार, ये बहुत डैमेज देता है, और पता है डैमेज तो देता ही है, पूरे मैच को एकदम ख़त्म सा कर जाता है। रनिंग पावर स्लैम हमारा तैयार है, लेकिन करें कैसे, लगाएं कैसे, सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी भी स्पेयर ऑब्वियसली तैयार होगी, क्योंकि शायद रोमन की थोड़ी जल्दी स्पेयर तैयार होती है, मुझे ऐसा लगता है। और भैया चांस दे दो और हम छोड़ दें, ऐसा हो सकता है? तो ब्रॉन स्टोमैन ने रनिंग पावर स्लैम देके दोबारा, अगेन रनिंग पावर स्लैम, नोटिस करना दोनों बार रनिंग पावर स्लैम से ही जीते हम, फिनिशर से। तो भाई ब्रॉन इज ओपी, टॉम रेंज को भी ठोंक दिया है। अब चलते हैं अपने तीसरे मैच की तरफ, और तीसरे मैच पे देखते हैं कौन मिलता है। तो इन्हीं के फैमिली, मतलब ब्रे वाइट फैमिली आपस में फाइट करने वाली है, द मॉन्स्टर अमंग मैन, और सामने हैं द फीन ब्रे वाइट। हालांकि फीन वाला करेक्टर ब्रे वाइट फैमिली में नहीं था, उसमें अलग ही था, वो एक खुद वाला करेक्टर रहता है। चलो कोई नहीं, तुम करो हम भी करते हैं, कोई नहीं। काउंटर से स्टार्ट हुआ है, और ग्राउंड स्मैश दे दिया हमने, अभी एडवांटेज हमारे पास है, और एडवांटेज पे एडवांटेज लेते रहेंगे। टेंशन ना लो भैया, तुम्हारे खिलाफ़ थोड़ा सा हमको डर लगता है, क्योंकि तुम हो ही भूत जैसे, और थोड़ा सा स्टॉम्प भी लगाएंगे, और एकदम मैच को एकदम ईजी तरीके से ले जाएंगे साथ में। ओ भाई धोखेबाज, धोखेबाजी करते हो, और हम तो इसमें बहुत ही माहिर है भैया, हम जब धोखेबाजी करेंगे तो फिर रो दोगे भाई, आंसू आंसुओं की बारिश हो जाएगी। धोखेबाजी हमसे नहीं करना भाई। क्रॉस बॉडी, मेरे को पता था चॉक स्लाइन में तो क्रॉस बॉडी दो में से कुछ तो लगाएगा, मेरे को मालूम था भाई, बहुत मालूम हो गया है, मेरे को पता था ये तो क्रॉस बॉडी लगाएगा, ये तो रनिंग वो सॉरी चॉक स्लैम। और भाई पकड़ लिया है, मेरे को लगा नहीं था पकड़ लेगा, लेकिन पकड़ लिया है, तो अब हम उसका एडवांटेज उठाएंगे और लगाएंगे भाई डीप हर्ट। और लो भाई फील थ्रो के सहारे इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया हमने, और तुमको क्या ही मौका दे, मौका देने लायक हो नहीं अब भैया तुम। और भाई ये मौका लेके रहेगा, चलो थोड़ा और पास लगाते तो फिर मज़ा आ जाता मेरे को, मेरे को सारे मूव लगाने नहीं पड़ते, क्या करें लगाएं भाई, लग नहीं पाया, मैं सोचा काउंटर लग जाए, और एक काउंटर अगर लग जाता तो हमारा मैच ख़त्म हो जाता। और हमको डर लग रहा है सिर्फ, पता है, सिस्टर एबिगेल से, बाकी चीज़ से नहीं लग रहा। इसके पास सिस्टर एबिगेल अवेलेबल है, वो देखो लगा भी दिया, मेरे को मालूम था सिस्टर एबिगेल अवेलेबल है, और ये लगाएगा कॉम्बो, आई नो कॉम्बो का वेट ही कर रहा था, लेकिन हमसे शायद रोनाल्डो लगाए कि चलो हम भी रनिंग पावर स्लैम लगाएंगे। और कॉन्फिडेंस देखो, तीसरा मैच भी रनिंग पावर स्लैम से ही ख़त्म किया, तो रनिंग पावर स्लैम के लिए भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब, चाहे रनिंग पावर स्लैम मार के ही तोड़ दो, एक सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो। लव यू गाइस।